क्या करते हो बाल गोपाल, सुबह सुबह डरा के रख दिया, अखबार पढ़ने दो भाई। अरे ये क्या करते हो चश्मा, वो सुबह सुबह तुम्हारी शरारतें शुरू हो गई। देखो चश्मा, चश्मा दे दो मेरा भाई, क्या कर रहे हो तुम? अरे दामाद जी चश्मा दे दो। अरे दामाद जी, ये आपको अचानक क्या हो जाता है? अकेले अकेले बातें करते रहते हो, किसी अच्छे डॉक्टर को दिखाइए। आपकी ये बीमारी बड़ी खतरनाक लग रही है। हाँ हाँ, जरूरत पड़ेगी तो मैं वो भी कर लूंगा जी। ओहो, बाहर मौसम कितना हॉटिंग हो गया है और ट्रैफिक भी तो कितना ज्यादा हो गया ना। हर एरा गहरा नथू खेरा गाड़ी लेके सड़क पे निकला हुआ है। ये तुम एरा गहरा नथू खेरा बोलते हुए मेरी तरफ क्यों देख रही हो? इधर उधर देखो। हाँ मुझे सब पता है। अरे मैं तो चाहती हूँ मेरी ना एक लॉटरी लग जाए तो मैं तो एक हेलीकॉप्टर खरीद लूंगी। हाँ मैम साहब, आप हेलीकॉप्टर में आराम से बैठना और हम आपके हेलीकॉप्टर का ड्राइवर। बेवकूफ, रुक जा रुक जा रुक जा, हेलीकॉप्टर है, रिक्शा नहीं है। हाँ डाट, हम लोग भी हेलीकॉप्टर ले लेते हैं, फिर मैं उसी में बैठ के स्कूल जाऊंगा। शर्मा जी मुझे सब पता है, मैंने हेलीकॉप्टर का नाम लिया और आपको चक्कर आने शुरू हो गए। अरे चुप करो, चूहा देख के चीख निकल जाती है और निकले शेर का शिकार करने के लिए, कोई हेलीकॉप्टर से नीचे उतरने को तैयार ही नहीं है। गोपाल ठीक है, चल जिसको जितना हवा में उड़ना है ना उड़ने दो, उड़ने वाले को कभी ना कभी तो नीचे उतरना ही पड़ता है। वाह मॉम, ये देखो घर बैठे हिस्सा लीजिए जादूगर रियलिटी शो हेल हाउस में, और हर एक खेल में होना पड़ेगा सफल, नहीं तो गो टू हेल। अगर जीत गए तो मिलेंगे 10 लाख का इनाम। 10 लाख और होगा नाम, खेलना है तो रिप्लाई करो ओके। 10 लाख तो ओके ओके सब कर दिया, 4 बार ओके कर दिया, हम तो जरूर जीतेंगे क्योंकि मेरा दिमाग तो है ही इतना तेज। हाँ ये तो तुम्हारी मुसीबत है। शर्मा जी डोंट एंग्री मी, मुझे सब पता है, तू भेज दे ओके ओके 2-4 बार ओके भेज देने, बुला ले कौन है ये रियलिटी शो वाले, हेल हाउस है ना, बुला ले, हम ही जीतेंगे हम ही जीतेंगे। ये हेमा को भी ना अभी जाना था वो अपनी पिकनिक बनाने के लिए, अगर वो होती तो कितना मजा आता ना, ज्यादा मजा आता। साधना अब तुम्हें कौन समझाए कि तुम रियलिटी शो वालों का नहीं बल्कि मुसीबत को अपने घर बुला रही हो। मेरे पास जरा बचकर हाउस हेल्प बनने वाला है। अरे हम गेम खेलेंगे फिर हम 10 लाख का इनाम जीतेंगे, कितना मजा आएगा ना। वो क्या ऑर्डर किया हुआ पिज्जा है, जो आएगा ही आएगा। अरे मजा को जब आना है तभी आएगा। सासू माँ बिल्कुल ठीक बोल रही हैं, हम ये गेम नहीं खेलेंगे। गोपाल आज साधना किसी के रोकने पर रुकने नहीं वाली है, तुम चाहे कुछ भी कर लो लेकिन तुम्हें खेलना ही पड़ेगा। अरे कुछ जबरदस्ती है क्या? डैड आपको ये गेम खेलना ही पड़ेगा, 10 लाख का सवाल है, बहुत मजा आएगा। अरे चुप। अरे आप चुप, हाउ लाइक दैट, कमाल कर रहे हैं आप, आपको सिर्फ एक गेम ही तो खेलने के लिए कह रहे हैं ना, आपको खेलना पड़ेगा। हमारी मैम साहब बहुत ही स्मार्ट मनी है, वो सही कह रही है चारों तरफ देख के, अब तो हम भी तैयार है चारों तरफ देख के। हाँ गोपाल खेल लो, जो होगा देखा जाएगा। चलो ठीक है, सब लोग इतना फोर्स कर रहे हैं तो खेल लूंगा, लेकिन सुनो अगर मुझे कहीं कोई गड़बड़ी लगी तो मैं गेम छोड़ दूंगा। हाँ मुल्ली वाले, हम सबकी रक्षा करना चारों तरफ देख के। कोई नहीं डरेगा, कोई नहीं डरेगा, नहीं डरेगा। दामाद जी ये आप हमें कह रहे हो, खुद को बोल रहे हैं। नाम है मेरा डिंग डोंग। नाम है कि डोरबेल। चुप, मैं हूँ डिंग डोंग, नचवाता हूँ लोगों को जैसे पिंग पोंग, दुनिया को हिला दूंगा। तो इस तरह शुरू होता है हमारा खेल द हेल हाउस। अरे शुरू भी हो गया गेम, आपने मुझे सब पता है।
जो होगा इस खेल में पास उसे मिलेंगे 10 लाख, जो होगा इसमें फेल उसका निकल जाएगा तेल। ध्यान से सुन लो, देख लो और समझ लो, खेलना होगा इसे नॉन स्टॉप, आना होगा इस खेल में टॉप, और अगर इसमें हो गई कोई भूल तो आंखों के सामने छा जाएगी धूल और तुम हो जाओगे गुल इनटू हेल। जो करेगा 5 तास पूरे उसके सपने भी हो जाएंगे पूरे। ये तो बहुत आसान गेम है, चारों तरफ देख क्या। जितना आसान दिखता है ये इतना आसान है नहीं। अभी भी वक्त है, सोच लीजिए क्या आप लोग ये गेम खेलना चाहते हैं। अगर किसी को भी लग रहा है डर तो वो जा सकता है अपने घर। अरे हाउ लाइक दैट, हम तो अपने घर में है ना। डिंग डोंग जी, सॉरी 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 सॉरी, लेट्स प्ले द गेम। हम सब तैयार है ना? हां हम तैयार है। ओके लेट्स स्टार्ट। मगर गेम से कुछ रूल्स है, कुछ असूल। गेम शुरू होने के बाद सारे रिश्ते नाते सब कुछ भुला देना होगा। कोई किसी का बेटा नहीं, कोई किसी का बाप नहीं, और कोई किसी का पति नहीं। हाँ, ना कोई मालिक है और ना कोई नौकर, चाहो तब देख के। आप सभी को नंबर्स दिए जाएंगे और जैसा मैं कहूंगा वैसा ही करना होगा। आप लोग चाहिए या खड़े नहीं है, या मुझे खुजली आ रही है। इतनी भी कोशिश कर लो लेकिन मुझे नहीं ढूंढ पाओगे बच्चों। ए डिंग डोंग, चलो शुरू करो गेम। तो मैं कह रहा था कि अब से कोई रिश्ते नाते नहीं, तुम सिर्फ सिर्फ अपने नंबर से जाने जाओगे। तुम नंबर 5, आप 4, 3, 2, आप नंबर 1। मुझे सब पता है, मैं तो हूँ ही हमेशा से नंबर 1। अगर अब किसी ने अपना मुंह खोला तो उसने गेम को टाटा बाय बाय बोला, और मैंने उसके लिए हेल का दरवाजा खोला। ये लो, अपनी आंखों पे बांध लो, जो बिना देखे देख पाएगा वही बच जाएगा, और जो नहीं देख पाएगा वो सीधे हेल जाएगा। बांधी। मेरा कपड़ा कपड़ा दे दीजिए। हेलो, तो पहला टास्क शुरू करते हैं। नंबर 3 निकालेगा नंबर 5 की जेब से चिट। अगर किसी और को छुआ तो तुम हो जाओगे मिस फिट। लेकिन साहब ये चिट हमारे पास कब आई? चुप, दुनिया हिला दूंगा। आप बीच में क्यों आ गए? आप तो नंबर 2 थे। अब नंबर 3 ने की है गलती, और जहां वो जाएगा वहां किसी की भी नहीं चलती। Go to hell! रवि, दुनिया हिला दूंगा। आपका बच्चा हेल में। अरे मुझे नहीं खेलना ये गेम। मेरे बेटे को वापस लाओ, वापस लाओ रवि को। वापस लेकर आओ, वापस लेकर आओ। अगर उसे वापस लाना है तो सिर्फ एक ही तरीका है, खेलते रहो। अगर जीत गए तो वापस आ जाएगा, और अगर तुम लोग हार गए तो वहीं पहुंच जाओगे जहां नंबर 3 है। चलो पट्टियां पहन लो,
वरना तुम्हारा भी हाल नंबर 3 की तरह हो जाएगा। अब अगले टास्क के लिए हो जाओ तैयार। मुझे बचाओ, मैं कहाँ हूँ? कुछ समझ में नहीं आ रहा है। हेल्प मॉम, हेल्प, ये आदमी हमें बेवकूफ बना रहा है। हेल्प डैड, हेल्प मॉम, हेल्प करो। अरे ये मेरा बेटा, मुझे वापस दो। रवि, 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 चाहते हो तो खेलते रहो। प्ले द गेम। मुझे नहीं खेलना ये गेम। मेरा रवि का, रवि, रूल तोड़ दिया आपने। नाउ गो टू हेल। सासुमा, अपनी आंखों से पट्टियां हटा दो। She is gone to hell. अब खेलते हैं अगला राउंड, पहेली का राउंड, यानी कि पजल राउंड। नंबर 2, अगला सवाल तुम्हारे लिए। 3 बजने में कितने मिनट बाकी है? अगर 50 मिनट पहले 12 बजने के बाद उसका 4 गुना वक्त बीत चुका है। क्या? तुम्हारे पास सिर्फ 2 मिनट का वक्त है। नहीं, एक मिनट। 3 बजने में कितने मिनट बाकी है? अगर 50 मिनट पहले 12 बजने के बाद उसका बीत चुका है 4 गुना टाइम। अरे ये सवाल है कि बवाल है? लेकिन जल्दी कीजिए शर्मा जी, जल्दी बताइए उसको, जल्दी। हाँ साहब, जल्दी बताओ साहब। गोपाल, तुम्हारी पहले वो कौन से डेट को छवि थी? 26। क्या कहा था? 26, हाँ 26 मिनट, 26 मिनट। 3 बजने में 26 मिनट बाकी है, यानी कि टाइम हुआ है 2:34, यानी कि 50 मिनट पहले टाइम हुआ था 1:44, यानी कि 12 बजने के बाद 104 मिनट बीत चुके थे, जो कि 26 का 4 गुना है। हाँ, यस, यस, यस। टीचर हो या चीटर, अब तो मेरा बेटा मुझे वापस दे दो। आएगा, आएगा, सही वक्त पे आएगा। टन डना टन डन। अब हरिश्चंद्र करेगा शीर्षासन। अब इस राउंड में जो बोलेगा सच, उसका हो जाएगा थैंक यू वेरी मच। अब से सिर्फ तुम सब झूठ बोलोगे। तुम कौन? बंदर, बंदर, और आप? जापानी रानी सुसाफुफा। और तुम? हाँ, लाल लाल टमाटर। तुम्हारा चाचा कौन? गुरिला। चाचा सब्जी मंडी में प्रवेश कर रहे। कितने साल पहले गाओगे? 3। सच बता दिया इसने, सच बता दिया। नाउ गो टू हेल। हमें गायब मत कीजिए, हमें हेल हाउस नहीं जाना है। अब बचे हैं सिर्फ 2। खेलते हैं अगला राउंड, जहां पर आपको हमें बतानी पड़ेगी एक कहानी। नंबर 1, एक ऐसी कहानी बताओ जहां पर ना तो हो सा, ना तो हो ना, ना तो हो ध या नी। मुझे सब पता है, ये इस तरह की किसी कोई कहानी हो सकती है। आई लाइक दैट स्टोरी टेलिंग। जल्दी बताओ। कैसे, क्या सोचूं? एक तो राजा, अब राजा के घर में क्या? राजा के घर में सुख शांति नहीं है। सा, कहानी में आया सा। क्या कर दी गलती? नाउ गो टू हेल। शर्मा जी बचाओ, सांत्रा। अब तुम अकेले बच गए हो, क्या करोगे? हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। गोपाल, अरे अब तुम ही मुझे बचा सकते हो, जल्दी से कुछ करो प्लीज। तुम चिंता मत करो, बस अपने दिमाग के माखन को होशियारी के चम्मच से चलाते जाओ और मौका मिलते ही इस डिंग डोंग की छड़ी तोड़ दो, क्योंकि इसकी छड़ी में इसकी शक्ति है। hey, किससे बात कर रहे हो? इससे किससे? अरे जाने दीजिए, कौन है आप, बोलिए क्या करना। अब खेलते हैं अगला राउंड, अगर इसमें पास हो गए तो 1, 3, 4, 5 वापस आ जाएंगे, और अगर फेल हो गए तो सीधा वहां पहुंच जाओगे उनके पास,
हेल हाउस में हेल हाउस खेले। अब ध्यान से सुनो, अब मैं जो कहूंगा उसका करना पड़ेगा तुम्हें उल्टा। अगर किया सीधा तो बहुत बुरा होगा नतीजा। सीधा हेल हाउस में। अब ध्यान से सुनो, अब मैं जो कहूंगा उसका करना पड़ेगा तुम्हें उल्टा। अगर किया सीधा तो बहुत बुरा होगा नतीजा। सीधा हेल हाउस में। रेडी? जोर जोर से हंसो। सीधे चलो। दुनिया हैरान दूंगा। क्या? चुपचाप नीचे बैठ जाओ। गोपाल अब ये टास्क की स्पीड बढ़ा देगा और तुम थक जाओगे और गलती कर दोगे, और अगर तुम हेल हाउस के अंदर चले गए ना तो मैं भी कुछ नहीं कर पाऊंगा। इसलिए गोपाल इस वक्त तुम्हें अपनी मदद खुद ही करनी होगी। गोपाल तुम इसे इतना मौका मत दो, तुम अचानक से कुछ ऐसा करो कि ये सरप्राइज हो जाए और तुम्हें वैसा करने से मना कर दे। अब बिना हिले डुले यहाँ पे चुपचाप खड़े रहो। रुको, मैंने कहा रुक जाओ, रुक जाओ। ये छड़ी मेरी है, वापस दो मुझे। छूना मत, छुड़िया छुड़िया, तोड़ना मत इसे, तोड़ना मत, तोड़ना मत। ये तुमने ठीक नहीं किया, तुमने रूल तोड़ा है। अरे सब कुछ ठीक किया मैंने, सब कुछ ठीक किया, कोई रूल नहीं तोड़ा मैंने। तुमने बोला कि छड़ी को हाथ मत लगाना, मैंने छड़ी पकड़ ली। तुमने बोला छड़ी को तोड़ना मत, मैंने छड़ी को तोड़ दिया। मैंने कोई रूल नहीं तोड़ा, कोई रूल नहीं तोड़ा। और अब मैं जानता हूँ कि तुम भी जो हो इस टूटी हुई छड़ी की तरह बिल्कुल बेकार हो चुके हो। बड़ा आया हमें गेम खिलाने वाला, मुझे सब पता है। शर्मा जी ये सब मेरे थोड़े से लालच की वजह से हुआ है ना, तो अब मैं थोड़ा लालच बिल्कुल नहीं करूंगी, मैं बहुत ज्यादा लालच करूंगी। क्या? नहीं नहीं मतलब जोकिंग, सॉरी। नहीं नहीं मतलब नहीं, नो लालच। डिंग डॉंग, आया था मैं दुनिया हिलाने, अगर यहाँ तुम्हें खुद हिल गया। मुझे तुझसे ये उम्मीद नहीं थी डिंग डॉंग, तुझसे ये उम्मीद नहीं थी मुझे। इतनी जल्दी हार मान गया तू, इतनी जल्दी? तो क्या करता, वहां कुछ तो है। जैसा आपने कहा था मैंने बहुत होशियार रहने की कोशिश की, मगर वहां कुछ तो है। उनका साथ एक बहुत बड़ी ताकत दे रही है, वरना मेरा वाल आज तक खाली नहीं गया। अच्छों अच्छों को खींच के ले गया हूँ अपने साथ। मैं तो कहता हूँ आप इनका पीछा छोड़ दीजिए। नहीं, जब तक गाना की भक्ति की शक्ति का अस्तित्व नहीं मिटा देता मैं, मेरा जाना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है, नामुमकिन। समझा तू? शर्मा जी, what he doing? What is? मुझे सब पता है। Go to hell! How like that? अब भी बता तू मैं। अरे नहीं 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 गलती हो गई, माफ कर। अरे अरे क्या करें? ये कहाँ फंसा दिया तुमने मुझे? लाइफ की ऐसी नोकझोंक तो चलती रहेगी,